सवाल बहुत पूछा जाता है और हमारे बस का नहीं है रोल वोल मिलना मिलना है? हम लोग स्लॉट में डाल दिए जाते हैं भाई है? ये इस स्लॉट का है, ये उस स्लॉट, उस स्लॉट से निकलने का स्ट्रगल रहता है एक्टर का, यहाँ से निकलो, विलन से, विलन को हमेशा कोशिश करता रहा मैं करेक्टर आर्टिस्ट बन जाऊँ, अच्छा आदमी बन जाऊँ। जब अच्छा बन गया तो वो कहता नहीं यार बहुत तंग आ गए, थोड़ा विलन बना दो, नहीं मिलता फिर। ये कोई हम लोग तय ही नहीं कर सकते, इसका मापदंड इंडस्ट्री ही करती है सारा। करेक्टर अब ऐसा अब हम याद नहीं रहते, क्योंकि जब आप कर रहे होते हो इस डिपेंड्स ऑन एक्चुअली मेकर पर, मेकर आपको कितना मोटिवेट करता है। एक फिल्म बनती है जैसे कि अरे चलेगा, जैसे शुरू में पंजाबी कमर्शियल फिल्म का ये एटीट्यूड था हम हिंदी फिल्म थोड़ी बना रहे हैं भाई, चलेगा, अगर एटीट्यूड ही यही है तो आप फिल्म क्या बनाओगे। तो अभी मैंने देखा सुना है कि कुछ पंजाबी में अच्छी फिल्में मनमोहन सिंह के आने के बाद कुछ काफ़ी फ़र्क हुआ, मैंने देखनी है। सच्ची बताऊँ मैंने फिल्में बहुत कम देखी हैं और इसमें मैं अपने ही कोई ब्लेम करता हूँ, इसमें कुछ किसी को नहीं कि आल मुझे फिल्म पता नहीं क्यों छूट जाती है, मेरी अपनी भी नहीं देखी मैंने। दीपा इज़ अ ग्रेट फ्रेंड, ग्रेट डायरेक्टर, ग्रेट, अब उसने भी अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, बहुत किया। मैं उसकी मेरा ख्याल छठी फिल्म अभी करके आया हूँ, मिडनाइट चिल्ड्रन, और अक्टूबर में वो बाहर ऑल ओवर वर्ल्ड रिलीज़ होने वाली है, अराउंड 86 कंट्रीज़ में, पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया में नहीं होगी। अब रोल तो पता नहीं, अब जब देखूंगा कितने होता है, ये फिल्मों में हम कुछ नहीं कह सकते, इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम। आप सोचते रहते हो कि अरे वाह, शुरू में तकलीफ होती थी, अब नहीं होती कि यार वो कट गया, ये कट गया, एक अब कहते हैं अरे जाने दो, अब फिल्म ही नहीं देखते, पता ही नहीं चलता कट क्या गया। शौकिया थिएटर करता रहा बस, स्कूल से कॉलेज तक। नहीं मैंने कोई इंडस्ट्री में कोई नहीं आया था, मुझे तो बुला लिया गया तो आ गया, वरना मैं शायद आता भी नहीं कोई। इसीलिए बड़ी बेरंग सी कहानी है मेरी, कोई इंटरेस्टिंग नहीं बन, बुलाया गया किसी ने, अगर वो ना इन्वेस्ट, वो नहीं बोलते मेरे दोस्त, सजेस्ट नहीं करता, ये भी डेस्टिनी होती है। तो उन्होंने जब पहली बार बोला कि फ़ोन पर के शाम बेनेगल वॉन्ट्स टू मीट यू, ये वो, तो मैं कहा कौन जाएगा या कौन बुलाएगा वहाँ कौन, और यहाँ कलकत्ता में था उन दिनों, कलकत्ता से आना जाना 48 घंटे लगते थे ट्रेन में उन दिनों शायद, बहुत लंबा जर्नी, वो बहुत, कोई मुझे काम ना देखा हो तो लेगा कोई नहीं। फिर एक हफ्ते बाद फ़ोन आया कि आपको हवाई जहाज़ का किराया मिलेगा, तो मैं कहा चलो मुंह दिखाई के लिए हवाई जहाज़ किराया मिल जाता है चले, वो तो मगर वो ले लिया गया मैं वहाँ। काम तो आपका, काम तो चाहिए वो, मगर आप काम उसके लिए काम नहीं कर रहे होते हो कि मुझे ये करना, काम इंजॉय करते हो आप किसी भी चीज़ को, वो आपको कहीं ना कहीं ले जाता है। थिएटर हॉबी थी, थिएटर से तो आज तक एक रुपया नहीं कमाया, एक्टिंग से, बैकस्टेज से कमाया नौकरी की तो, मगर एक्टिंग से आज तक नहीं कमाया।